हाय फ्रेंड्स, सो दिस इज अ पार्ट टू ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। यहाँ पे हम प्योरली केमिकल क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे एंड देयर आर ट्रिक्स दैट हाउ कैन वी रिमेम्बर, बिकॉज मेरे को बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई कि सर मेक अ वीडियो ऑन ग्लाइकोसाइड्स का केमिकल क्लासिफिकेशन एंड सम ट्रिक्स टू रिमेंबर इट। सो हियर इट इज। इफ यू हैवंट वॉच द बेसिक वीडियो, इट्स द लिंक ऑफ द वीडियो इज पिंक्ड इन द कमेंट बॉक्स। सो नाउ विल बी स्टार्टिंग द वीडियो। एज मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो, ग्लाइकोसाइड्स का जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, शुगर एंड नॉन शुगर में उसका कन्वर्जन होता है, राइट? एक शुगर जो होता है ग्लाइकोन मॉइटी होता है या अग्लाइकोन मॉइटी होता है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन। नाउ सबसे पहले आता है एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स। अभी एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स को मुझे याद रखना, उसके एग्जाम्पल से याद रखने। सो आई जस्ट नीड टू रिमेम्बर, अरे हाइपर तो सारा कोका है। अरे इज एंथ्रासीन, राइट? नाउ हाइपर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हाइपेरिकम, देन SSAR है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो। सारा का SAR का जो था, सीना, एलो, रुबब, फिर कोका, को एंड का। सो कोका का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? कोसिनियल एंड कैस्केरा, राइट? सो एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स को अगर याद रखना है तो वी जस्ट नीड टू रिमेम्बर, अरे हाइपर तो सारा कोका है, एंड अकॉर्डिंगली उसके एग्जाम्पल्स भी हम याद रख सकते हैं, राइट? नाउ सेकेंड वन इज स्टेरॉल्स और कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। स्टैंड पे चप्पल गिरी, स्टैंड दब गया, स्टैंड को ठीक करना पड़ेगा। आई रिपीट, स्टेरॉल कार्डियोग्लाइकोसाइड्स को अगर याद रखना है तो जस्ट रिमेम्बर, स्टैंड था, स्टैंड पे चप्पल गिरी, स्टैंड दब गया और स्टैंड को ठीक करना पड़ेगा। नाउ स्टैंड इज, ये जो स्टैंड है, राइट, स्क्विल होता है, दब इज डिजिटलिस, देन स्टैंड का दूसरा क्या है? स्ट्रोपेंथस हुआ, ठीक का थिवेरिया हो गया, राइट? सो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर स्टेरॉल्स और कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। नाउ सैफोनिन ग्लाइकोसाइड्स, ये बहुत, इसके बहुत ज्यादा, बहुत से बार क्वेश्चन आते हैं जीपैट में कि इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बताओ, या फिर एग्जाम्पल्स लिस्ट कर दिया होता है, हमें पूछते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है, राइट? सो यहाँ पे वी नीड टू रिमेंबर टू सब ट्रिक्स। ब्राह्मण डिस्को में गया, जल लिक्विड पिया, जल दैट इज लिक्विड, राइट? सो ब्राह्मण जो था वो डिस्को में गया एंड ही ड्रैंक लिक्विड, जल उसका मतलब क्या होता है? लिक्विड पिया। एंड सेकेंड, ट्विन को सनेगा और शतावरी फूल पसंद थे और वज्रदंती पेस्ट वो यूज करती थी, बोलते हैं जीजी, मतलब जो हमारी क्वीन थी, क्वीन को सनेगा और शतावरी फूल पसंद थे और वज्रदंती पेस्ट वो यूज करती थी, ये किसने बताया? हमें जीजी ने बताया। सो नाउ यहाँ पे उसकी पूरी शॉर्ट का ये है, ब्रह्मी है, डायस्कोरिया है, जल ब्रह्मी, राइट, लिक्विड का लिकोराइस हो गया, क्वीन को क्यूलिया याद रख लो, सेनेगा एज इट इज है, शतावरी एज इट इज है, वज्रदंती एज इट इज है। जीजी को अगर मैं बात करूं, जीजी इज जिनसेंग एंड गोखरू, राइट? सो दैट्स इट, सैफोनिन ग्लाइकोसाइड्स को ऐसे याद रख सकते हैं। नाउ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स को अगर याद रखना है तो जस्ट रिमेंबर, साइको क्वीन को बिटर एलिमेंट्स वाइट चेरी पसंद था, साइको मतलब साइनोजेनेटिक, राइट, क्वीन को बिटर एलिमेंट्स एंड वाइल्ड चेरी पसंद था। सो उसके एग्जाम्पल कौन से? बिटर एलिमेंट्स एंड वाइल्ड चेरी। नाउ आइसो थायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स अगर याद रखना है तो जस्ट रिमेंबर, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, ये मैंने ब्लैक में लिखा है, राइट, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, ये अगर याद रहा है तो विल बी रिमेंबर आइसो थायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स। नाउ अदर क्लासिफिकेशन इज कोमेरिन्स एंड फुमैनो कोमेरिन्स, राइट? सो अगर इसे याद रखना है, कोने में नाग निकला, सरल जा रहा था, आई रिपीट, कोने में दैट इज कॉर्नर, राइट, कोने में मीन्स कोमेरिन हो गया, नाग निकला सरल जा रहा था, तन का वो अम्मी बोल के काट लिया और मिलो दूर चले गया। आई रिपीट, कोने में नाग निकला सरल जा रहा था, कोने में मीन्स कॉर्नर में नाग सांप निकला एंड इट वॉज गोइंग सरल जा रहा था, राइट, तनका को वो अम्मी बोला अम्मी बोल के काट लिया और मिलो दूर चले गया। नाउ नाग इज विस्नागा, सरल इज सोरेलिया, राइट, तंका इज तोनाका बीन्स, देन अम्मी इज अम्मी, राइट, कैट इज कैंथा राइट्स, देन मिलो इज माइला ब्रिस। नाउ फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड्स को सिंपली हमें एग्जांपल्स याद रखने हैं, जिंको है कि उसका है, सिलामैरिन है, बक व्हीट होता है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, देन एल्डिहाइड्स के लिए वैनिला एंड सरपा सरीला, राइट, देन फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए विल बी रिमेम्बर टैनिन्स को याद रख लो, सैलिसिन मतलब सैलिसिलिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, राइट, एंड कैल्कॉन होता है। एंड बिटर ग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल है, अमैग्डलिन होता है एक और प्रुनेसिन होता है, दैट्स इट।
आई होप कि आपको केमिकल क्लासिफिकेशन याद हो जाए इन ट्रिक्स से, एंड फॉर श्योर आपके एमसीक्यूज गलत ना हो, राइट? दैट्स इट. और अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो कमेंट सेक्शन में वी हैव पिंग द वीडियो, जस्ट गो एंड वॉच द बेसिक वीडियो ऑन ग्लाइकोसाइड्स. थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फार्मा इलाइट.